वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आम पन्ना की रेसिपी, जो कि बहुत ही फायदेमंद होता है। गर्मी में इसको पीने से लू नहीं लगती है। आम पन्ना पीने से गर्मी में राहत भी मिलती है, पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स चलिए इंग्रेडिएंट को देख लेते हैं। हमने यहाँ पर लिया है 2 कप चीनी, 2 फ्रेश आम, कच्चे आम हैं ये बिल्कुल ताज़े हैं, थोड़ा सा पुदीना लिया हुआ है, काला नमक 1 चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच, भुना हुआ जीरा पाउडर 1 चम्मच। तो चलिए आम पन्ना बनाना शुरू करते हैं। अब हम एक कुकर लेंगे और इसमें ये डाल देंगे कच्चे आम, 1 गिलास पानी, और इसका ढक्कन बंद करके 2 सीटी हम लगाएंगे इसमें। हमारे जो कच्चे आम थे उसको मैंने 2 सीटी लगा के बॉयल कर लिया है, पूरी अच्छी तरह से बॉयल हो गया है। अब इसका जो पल्प है उसका निकाल लेंगे, इसका छिलका अलग कर देंगे। फ्रेंड्स ये देखिए सारा पल्प हमने निकाल लिया है अच्छी तरह से। अब हम एक ब्लेंडर जार लेंगे और इसमें ये डाल देंगे कच्चे आम का पल्प, साथ में ऐड करेंगे पुदीना, पुदीने से इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, काला नमक, काली मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर। पुदीने को आप स्किप ना करें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम इसको पीस लेंगे। इसको हमने पीस लिया है, बहुत ही बढ़िया पेस्ट बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल बारीक। अब हम एक बर्तन लेंगे, उसमें डाल देंगे चीनी, 2 कप चीनी, 1 कप पानी, और गैस को ऑन कर देंगे। चीनी हमारी घुल गई है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कच्चे आम का पेस्ट जो हमने पीस के रखा है, सारा डाल देंगे। अब हम इसको मिक्स करके 5 से 7 मिनट तक कुक करेंगे। 5 से 7 मिनट हमने इसको कुक कर लिया है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको हम चेक कर लेते हैं। हाथों में थोड़ा सा जब चिपचिपा लगने लगे तो हमें इसको बंद कर देना है, इस तरह से होने लगे तो। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, इसके बाद सर्व करेंगे। आम पन्ना हमारा पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम इस तरह की बॉटल लेंगे और इसमें स्टोर करेंगे। आप चाहें तो कांच की भी बोतल ले सकते हैं। आप इस तरह के आम पन्ना को पूरे गर्मी भर पी सकते हैं, आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जब आपका मन हो इस तरह से बनाकर पी सकते हैं। हमने 2 गिलास लिया है, इसमें डालेंगे 2 चम्मच आम पन्ना। अब हम इसमें डालेंगे आइस क्यूब, अब इसमें डालेंगे पानी, बहुत ही बढ़िया आम पन्ना बनके हमारा तैयार होने वाला है। फ्रेंड्स इस तरह का आम पन्ना बनाए बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा, आप इसको महीनों तक स्टोर भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।